साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज का जो मैं उपाय आपको दे रहा हूं, ये उपाय आप अपने बिना बर्थ चार्ट देखे हर कोई इस उपाय को कर सकता है। खास करके वो लोग इस उपाय को जरूर करें जो शनि से पीड़ित है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 अढ़िया चल रही है। दोस्तों शनि जिस पर हावी होते हैं या जिस पर शनि की पनौती चल रही होती है उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। या तो उसके शत्रु बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो जाएगा, कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, पैसे का आवागमन रुक जाएगा। दोस्तों कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह कहलाते हैं, मतलब कि जैसे शनि, राहु, मंगल, ये इनकी अगर दशा किसी पर चल रही होती है तो इंसान को टोटली बर्बाद कर देते हैं। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं दोस्तों, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना वजह ही ये हमें सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, हमारे कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें फल देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो उपाय करने से ये होता है हमारे कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, और जो ग्रह क्रूर ग्रह में गलत रिजल्ट दे रहे होते हैं वो अपना अनुकूल प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, संघर्ष जिंदगी से खत्म हो जाता है, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं ये हर कोई कर सकता है, आपको अपना बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सिर्फ तीन शनिवार भी मैंने ज्यादा बोल दिया, दो या एक शनिवार में इसका रिजल्ट आप देखने लगेंगे, लेकिन आपको उसको 7 शनिवार कंटिन्यू आपने कर लिया तो दोस्तों बहुत ही गजब का रिजल्ट आएगा। दोस्तों श्रद्धा विश्वास से करिए, क्योंकि अगर विश्वास है तो कोई भी आप रेमेडी करते हैं तो उसका असर आपको बहुत जल्दी देखने मिलता है। तो जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आपको ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की जरूरत है उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, शनिवार के दिन में किसी भी शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं, बस शनिवार को करना है। दोस्तों जानकारी को अच्छे से समझिए, उसके बाद में इस उपाय को आप करिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा मिले तो पूरा वीडियो बिल्कुल स्किप किए बगैर देखें और अच्छे से जानकारी समझ के इस प्रयोग को आप करें। आपको इसमें जरूरत पड़ेगी एक कील, ठीक है, लोहे की कील, साथ में उड़द के दाने आपको 11 की मात्रा में लेने हैं और सरसों का तेल। इस प्रयोग को आप शनिवार के दिन में गौधूली वेला, यानी कि दिन का अंत और रात्रि की शुरुआत, जब सूरज बिल्कुल अस्त हो चुका हो, जैसे ही सूरज अस्त होता है आपको पहले ही पीपल वृक्ष के पास में जाना है, गौधूली वेला में करना है, यानी कि सूरज बिल्कुल डूब गया हो उस समय आप इस प्रयोग को करेंगे। आटे का आपको एक दिया बनाना है, ठीक है, शनिवार से पहले बना लें और उसको कहीं धूप में रख दें तो सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा, ठीक है। अब घर से आप जब निकलेंगे तो आपको सरसों के तेल की छोटी सी डिब्बी किसी चीज में भर करके ले जाएं, ठीक है, साथ में 11 उड़द के दाने और एक कील, ये आप लेकर के पीपल वृक्ष के पास में जाएं। पीपल वृक्ष के पास में जाने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पर जो सरसों का तेल आपने लिया था, ठीक है, बाती आपको लेटी हुई बनानी है, लंबी बाती बनानी है, इस चीज का ध्यान दें। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि खड़ी बाती बनानी है, लेटी, पर लेटी हुई एक मुखी बाती आपको बनानी है, ठीक है। सरसों के तेल को आप क्या करेंगे, 7 बार, जो आप जिस भी चीज में डिब्बी वगैरह में किसी पात्र में आपने लिया है 7 बार आपको क्लॉक वाइज, ठीक है, आपको उतार लेना है। और फिर आप में जो आपने आटे का दिया लिया हुआ था, आटे का दिया वहां रखेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे, लेटी हुई बाती लगा देंगे, दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। पहले आपको दिया प्रज्वलित करना है, उसके बाद में आपको दूसरी रेमेडी करना है, क्योंकि दिया साक्षी होता है, अग्नि साक्षी होता है जो कुछ भी पूजा करते हैं। हमेशा दोस्तों याद रखें, कोई भी रेमेडी, कोई भी पूजा में जहां पर दीपक का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर दें, क्योंकि अग्नि ही साक्षी होती है आपके सारे उपाय करने की, जो पूजा पाठ जो भी करते हैं आप, तो अग्नि साक्षी होती है, ठीक है, दिया प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में जो लोहे की कील आपने ली हुई थी, ठीक है, लोहे की कील को भी आपको क्लॉक वाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार लेना है, और उस कील को आपको अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसमें डाल देनी है, दिए में डालनी है आपको। अब जो 11 उड़द के दाने आपने लिए हुए थे, इसको भी आपको क्लॉक वाइज 7 बार उतारेंगे पीपल वृक्ष की छाया में खड़े होके,
और 11 उड़द की जो दाने हैं, काली उड़द, ठीक है, साबुत दाने लेने हैं आपको, टूटे फूटे नहीं लेने हैं, यहां पर ध्यान दें, और वो 11 दाना भी आपको उसी दिए में डाल देने हैं। अब आपको दोनों हाथ से क्या करना है, ये दोनों हाथ आप लेंगे, पीपल वृक्ष को आप स्पर्श करेंगे, ठीक है, दोनों हाथों से, और अपना माथा उस पीपल वृक्ष की जो तना होता है उसमें टिका देंगे, ठीक है, और ओम पिपलेश्वराय नमः, ये एक बार हो गया। फिर आपको क्या करना है, हाथ हटाएंगे, सिर हटाएंगे, फिर दूसरी बार आपको यही क्रिया करनी है, ऐसे करके आपको 7 बार ये क्रिया करनी है, आपको 7 बार दोनों हाथ रख के और माथा टेक के 7 बार ये क्रिया करनी है, और ओम पिपलेश्वराय नमः ये आपको बोलना है। ये कंप्लीट हो जाता है, फिर आप पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करेंगे, एक प्रदक्षिणा करेंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इन तीनों में से किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और चाहे तो इन तीनों मंत्र का जाप करके एक प्रदक्षिणा ले सकते हैं। एक कंप्लीट होती है फिर दूसरी प्रदक्षिणा करेंगे, उसके बाद में ये मंत्र बोलेंगे, आप चाहें तो जब परिक्रमा कर रहे हैं तो तीनों मंत्र बोल सकते हैं, दो बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं, ठीक है, और 7 बार परिक्रमा लेते हुए आपको 7 बार इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। जब मंत्र 7 प्रदक्षिणा भी कंप्लीट हो जाती है, तो जहां से आपने शुरू की थी वहीं खड़े होकर के आपको हाथ जोड़ करके शनि महाराज से, पीपल भगवान से, हनुमान जी से आपको विनती करनी है कि आपने पूर्व जन्म में या जाने में अनजाने में जो भी बुरे कर्म किए थे, ठीक है। इस चीज में थोड़ा सा दोस्तों एक चीज और आपको करना है कि हाथ में आपको जल लेना है, सीधे हाथ में जल हाथ में लेकर के, और आपको बोलना है जो भी आपने बुरे कर्म किए थे आप उनका प्रायश्चित करते हैं, अपने सारे बुरे कर्म जो हैं उनका प्रायश्चित करते हुए अपने सारे कर्मों को उनको समर्पित करते हैं, और आप जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, जो भी परेशानी है आपकी, कर्जा की या दुश्मन की, शत्रु की, रोग की, पैसों की, लक्ष्मी की, जो भी है, ठीक है, तो वो सारी परेशानियां आप दूर करें, और जल आप पीपल वृक्ष की जड़ में छोड़ देंगे। दोस्तों 1 या 2 शनिवार करिए आप, उसके बाद में रिजल्ट आप देखिए कितना गजब का आता है ये आपको, लेकिन 7 शनिवार कंप्लीट करना है। दोस्तों ये प्रयोग इतना शक्तिशाली है क्योंकि आप अपने सारे बुरे कर्म, जो कर्मों के न्याय के देवता हैं शनि देव, उनको अपने सारे कर्मों को प्रायश्चित करते हुए आप उनको समर्पण कर रहे हैं। ये प्रयोग करने के बाद में जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि 1 शनिवार कंप्लीट होगा, 2 शनिवार तक आपकी परेशानियां सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जो भी कामों में अड़चने आ रही थी, घर में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे आप, कर्ज की समस्या थी, कर्ज की समस्या, जब लक्ष्मी का योग बनेगा, धन का योग बनेगा, तो कर्ज की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। व्यापार नहीं चल रहा है, दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं, A to Z कोई भी परेशानी दोस्तों आपकी चुटकियों में सॉल्व होगी, और पैसे तो इतने आएंगे दोस्तों कि बहाने मार मार के जिंदगी में आएंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी घर में। शनिवार के दिन में पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है, और दोस्तों ये प्रयोग यदि आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी आपकी, शनिदेव खुद आपकी रक्षा करेंगे। बहुत ही पावरफुल ये रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं, करके देखिए, चमत्कार खुद देखेंगे कि हाँ लाभ प्राप्त हो रहा है, कोई भी परेशानी होगी दोस्तों सॉल्व हो जाएगी, श्रद्धा विश्वास से करिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, आप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, भगवान जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, ये अफर्मेशन हमेशा अपने आप को देते रहें, क्योंकि जो भी हम प्रकृति को देते हैं प्रकृति वही हमें वापस देती है। जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारी जिंदगी में रियलिटी होता है। तो कुछ भी चीज अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं तो उन चीजों को हमेशा बोलें, उन चीजों को हमेशा विजुलाइज करें, सोचें, तो वही चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।